हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा। और पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था वायरस के बारे में। तो वायरसेस के बारे में हमने बहुत सारी बातें की थी और आपको ये बताया था कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में कनेक्टिंग लिंक होते हैं। इनका जो जीनोम होता है वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, कुछ का सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है, और डबल और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। तो काफी हमने बातें की थी वायरसेस के बारे में। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप बैक जा करके पार्ट वन देख सकते हैं, और फिर आप अगर पार्ट टू देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आज हम वायरस के बारे जो थोड़ा बहुत बचा हुआ है वो पोर्शन भी खत्म करते हैं और फिर हम लाइकेन पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। वायरस के बाद एक और कॉन्सेप्ट आया जिसे बोलते हैं वायरोइड्स। तो वायरोइड्स के बारे में मैंने आपको बताया था और भी बताया था कि उसमें होता क्या है कि डिफरेंस ये होता है वायरस और वायरोइड में, ये सबसे छोटा से छोटा नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है और इसके पास सिर्फ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होता है, नेक्ड आरएनए होता है, इसके ऊपर कैप्सिड नहीं होती। जबकि वायरस के ऊपर क्या होगी? कैप्सिड होगी, राइट? तो इसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी, सिर्फ आरएनए होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसको हम वायरोइड बोलते हैं। सिर्फ द लैक ए कैप्सिड, इसको डिस्कवर किया था टीओ डाइनर ने 1971 में। और इससे रिलेटेड के डिजीज अगर आप है तो एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, या पोटैटो में एक डिजीज कॉज करता है वायरॉइड। चलिए और भी कंसेप्ट इसे बोलते हैं वायरस वाइड। वायरस वाइड क्या होता है? आर सेलुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होंगे एंड डिपेंडेंट ऑन वायरसेस फॉर रेप्लिकेशन, है ना? ये क्या करेंगे? वे वायरसेस पे डिपेंड करेंगे। वायरस वाइड जो होंगे ये सर्कुलर होगा इनका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, तो सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के होते हैं और ये वायरसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने रेप्लिकेशन के लिए, और इसीलिए इनको बोलते हैं सैटेलाइट वायरस या सब वायरल एजेंट भी बोलते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हेपेटाइटिस बी वेरिएंट एंड हेपेटाइटिस डी वेरिएंट। एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। तो हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ये वायरसॉइड है ह्यूमन में, और ये जब भी हेपेटाइटिस बी वायरस होगा तो हेपेटाइटिस बी वायरस की प्रेजेंस में ही ये क्या काम करेगा, हेपेटाइटिस डी जो है वो स्प्रेड कर सकता है। तो हेपेटाइटिस डी को रेप्लिकेट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हेपेटाइटिस बी की जरूरत पड़ेगी। तो बी का इंफेक्शन तभी होगा जब बी का होगा, तो ही बी की प्रेजेंस में ये डी क्या कर पाएगा, अपने आप को रेप्लिकेट कर पाएगा। चलिए एक और कॉन्सेप्ट जिसे बोलते हैं प्रियॉन्स। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है जो आपको किंगडम में हम जब जब फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था आपको बताया था कि वायरसेस के लिए अलग से हमने कोई किंगडम नहीं रखा है ना। तो जो प्रियॉन्स है ये क्या होता है? प्रियॉन्स क्या होता है? द एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन व्हिच कॉज इन्फेक्शंस आर कॉल्ड प्रियॉन्स। बड़ा सिंपल सी बात है, मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपको पता है कि जो भी हमारा डीएनए है, तो डीएनए की अगर हम साइज देखें एक सेल की तो कितनी बड़ी होती है, बहुत बड़ी होती है ना। तो उसको चूंकि एक छोटे से सेल के अंदर रहना है तो उसमें फोल्डिंग हो जाती है, ऑलराइट? तो जब फोल्डिंग हो जाएगी तो आपको पता होगा न्यूक्लियोसोम वगैरह बन जाएगा, वो हम बाद में बात करेंगे जब हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में। तो आपको पता होगा कि बहुत सारे मॉडल्स हैं उसके लिए कि क्या करता है डीएनए, फोल्ड कैसे करता है। ऐसे ही जब कोई भी जीन है जब वो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या बनेगा, उससे आरएनए बनेगा, एमआरएनए, और एमआरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बनेगा। अब जब प्रोटीन है तो आपको पता होगा प्रोटीन के कई सारे स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कई लेवल के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, और अगर प्रोटीन एक से ज्यादा चेन की बनी हुई तो क्वाटरनरी भी स्ट्रक्चर भी होता है। जैसे हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो हीमोग्लोबिन जो है वो चार सब यूनिट का बना होता है, तो उसमें क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है, लेकिन बाकी जो नॉर्मल प्रोटीन है उनके अंदर टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। तो प्रोटीन को भी चूंकि कम से कम जगह में रहना है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट भी होना पड़ सकता है, तो इसके लिए प्रोटीन भी फोल्डिंग होती है, प्रोटीन में प्रॉपर फोल्डिंग होती है। तो फोल्डिंग करके वो अपना जो स्ट्रक्चर है आप देख सकते हैं प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखा रहा है, तो प्रोटीन फोल्ड करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाती है तभी वो काम करती है। तो ये जो प्रियॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? एबनॉर्मली फोल्डेड, मतलब जैसा प्रोटीन को फोल्ड करना चाहिए वैसा फोल्ड नहीं किया, एबनॉर्मल तरीके से फोल्ड कर गए। तो ऐसे प्रोटीन्स जो एबनॉर्मली फोल्ड होते हैं और वो कोई डिजीज कॉज करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उनको हम बोलते हैं प्रियॉन्स। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाई दीज प्रियॉन्स। तो इन प्रियॉन्स के थ्रू भी क्या होता है, डिजीज कुछ कॉज होती, कुछ होती है जैसे, और इनकी जो साइज होती है प्रियॉन्स की ये वायरसेस की साइज के ही होते हैं।
जो सबसे खास डिजीज है, द मोस्ट नोटेबल डिजीज कॉज्ड बाय प्रियॉन्स आर बोवाइन स्पॉन्जी फॉर्म एंसेफेलोपैथी, इसको बीएससी भी बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड मैड काउ डिजीज इन कैटल, है ना। जो जो कैटल्स होती हैं आपकी, गाय भैंस होती हैं, तो उनमें ये प्रियॉन्स का इन्फेक्शन देखा गया। तो मैड काउ पागलों जैसा व्यवहार करती हैं आपकी जो गाय होती हैं, भैंस होती हैं, तो मैड काउ डिजीज इनको बोला जाता है, मैड काउ डिजीज इन कैटल। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैड काउ डिजीज किसकी वजह से होता है, तो आपका आंसर होगा प्रियॉन्स। और दूसरा क्रम देखें, इन एनालॉगस वेरिएंट, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जैसा ही, जैसा यहां पर डिजीज होती है, मैड काउ डिजीज होती है, एज ए ह्यूमन में भी एक डिजीज होती है, इसको बोलते हैं क्रूजफेल्ट जैकब डिजीज, व्हिच कॉजेज डिजीज इन ह्यूमन। तो ऐसे ही इसको बोलते हैं क्रूजफेल्ट जैकब डिजीज, इसमें भी मैड काउ डिजीज जैसा ही सिम्टम ह्यूमन में भी देखने को मिलता है। और भी प्रियॉन्स है जो बहुत अलग अलग तरीके के डिजीज से एसोसिएटेड है, जैसे क्रू, है ना। क्रू क्या है? द लाफिंग डेथ डिजीज ऑफ ह्यूमन। लाफिंग डेथ मतलब आदमी की जो डेथ होती है वो हंसते हंसते हो जाती है। तो ये देखा गया, कहाँ पे देखा गया कि कुछ लोगों में, ये आप साइड में पिक्चर देख रहे हैं, तो कुछ ट्राइब्स होती हैं, जनजातियां होती हैं, तो जनजातियों में ये कुछ लोगों में ये रिपोर्ट किया गया, देखा गया कि जनजाति के लोग क्या होते हैं कि जब उनमें से किसी की डेथ हो जाती है तो उसका ब्रेन निकाल के खा जाते हैं, उसकी बॉडी को खा लेते हैं, इसको कैनिबलिज्म बोलते हैं, है ना। तो आदमी आदमी को ही खा लेता है, तो मरे हुए लोगों को खा लेते हैं, तो उनमें लोगों में ऐसा ही डिजीज पाया गया, उसको बोलते हैं क्रू डिजीज। और क्रूजफेल्ट जैकब डिजीज है तो आपको पता है, इज ए फेटल डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, ऑब्वियस है। फेटल, फेटल मतलब घातक है, जान के लिए आदमी की डेथ हो सकती है। डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर, तो धीरे धीरे ब्रेन काम करना कम कर देगा। तो ये ह्यूमन में भी होता है, एनिमल में भी होता है। एक और डिजीज है जिसे बोलते हैं स्क्रैपी डिजीज ऑफ शीप एंड गोट, तो भेड़ और बकरियों में भी एक डिजीज होती है स्क्रैपी डिजीज, जो भी प्रियॉन की वजह से होती है। और आपको जैसा बताया मैड काउ डिजीज, तो आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये कुछ डिजीज है जो प्रियॉन्स के थ्रू होते हैं। चलिए, तो ये हमारी बात रही प्रियॉन्स के, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो वायरसेस के साथ थे। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसे बोलते हैं लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? लाइकेन एक ऐसा टर्म है जो दिया गया था सबसे पहले थियोफ्रस्टस के थ्रू, और लाइकेन की स्टडी को हम लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया की स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं, ऐसे लाइकेन की स्टडी को लाइकेनोलॉजी बोलते हैं। एरिक एकेरियस, इन्होंने सबसे ज्यादा लाइकेन पे काम किया, इसलिए इनको लाइकेनोलॉजी का फादर भी बोलते हैं। लाइकेन होता क्या है? लाइकेन जो है ये सिम्बायसिस के थ्रू बनाता है, सिम्बायटिक एसोसिएशन के थ्रू होता है। तो लाइकेन क्या होता है? फंजाई और एल्गी को मिलकर बनता है, ठीक है ना। तो फंजाई और एल्गी के सिम्बायटिक रिलेशनशिप जो होता है साथ में, उसको लाइकेन बोलते हैं। दोनों मिलके, दोनों को फायदा क्या होता है? सो लाइकेन्स आर डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग टू कंपोनेंट। लाइकेन के अंदर दो कंपोनेंट होगा, पहला कौन सा? एल्गल कंपोनेंट मतलब एल्गी होगी, जिसको क्या बोलेंगे? अब एल्गल पार्ट को हम बोलते हैं फाइकोबायोन्ट या फोटोबायोन्ट, क्योंकि एल्गी में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। तो उसको फाइको, अगर आपको याद हो रहा तो फाइसी करके हमने बताया था एल्गी में, तो एल्गी के लास्ट में आता है फाइसी, राइट। तो फाइकोबायोन्ट या फोटोबायोन्ट, जो एल्गल पार्ट है उसको फोटोबायोन्ट या फाइकोबायोन्ट बोलते हैं, जबकि जो फंगल, जो फंगस वाला पार्ट होगा उसके अंदर, उसको माइकोबायोन्ट बोलते हैं। जैसे आपको बताया था कि स्टडी ऑफ फंजाई इज नोन एज माइकोलॉजी, है ना। तो माइकोबायोन्ट मतलब फंगल पार्ट, तो ये दोनों एल्गल पार्ट प्लस फंगल पार्ट मिलके बनाते हैं लाइकेन। चलिए आगे देखते हैं, तो दोनों को बेनिफिट क्या होता है? एल्गल कंपोनेंट जो है, तो आपको बताया कि उसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस होगी, वेरी सिंपल। तो फोटोसिंथेसिस होगी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा, है ना, फोटोसिंथेसिस होगी तो ये जो न्यूट्रिशन ये प्रोड्यूस करेगा फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और ये न्यूट्रिशन जो है ये किसको मिल जाएगा? फंगस को मिल जाएगा। तो जो न्यूट्रिशन है वो फंजा, वो एल्गी को तो मिलेगा ही, साथ में चूंकि उसके साथ जुड़ा हुआ है फंगस, तो फंगस को भी क्या मिल जाएगा? न्यूट्रिशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को फायदा होगा। तो पहला बेनिफिट क्या हुआ? एल्गी ने फूड दिया किसको? फंगस को। अब फंगस साथ में फंगस को भी कुछ देना पड़ेगा, तभी तो सिम्बायटिक होगा। तो फंगस बदले में क्या करता है? ये क्या करेगा? शेल्टर देगा, रहने के लिए जगह देगा एल्गी को, प्लस आसपास से क्या करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर और मिनरल की जो सप्लाई करेगा वो कौन करेगा? फंगस करेगा, है ना। तो ये वो उसको खाना देता है, और वो उसको पानी और न्यूट्रिशन देता है, पानी और मिनरल देता है, और दोनों एसोसिएशन में रहते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं लाइकेंस, ठीक है। तो ये जो पत्थर है, स्टोन है, उनके उनसे चिपक जाता है, और देखिए उनसे चिपक करके रहते हैं, क्योंकि रूट अंदर जा नहीं सकती एल्गी वगैरह की,
वो नॉर्मल प्लांट तो सरवाइव कर नहीं पाएगा, तो फंगस क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता रहेगा चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो क्लासिफिकेशन अगर देखें कि जो लाइकेन एक बहुत बड़ा ग्रुप है, तो लाइकेन के अंदर कितने तरीके के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो हम बांट रहे हैं, इसको क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंगल कंपोनेंट, कि उसके अंदर फंगस कौन सा प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे मैं आपकी क्लास की बात करता हूँ, आपकी क्लास में मैं जेंडर के बेसिस पर आपकी क्लास को डिवाइड कर सकता हूँ, जैसे मेल एंड फीमेल, ये हो गया। या मैं उसी क्लास को अब अगर रिलीजन के बेसिस पर हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो क्लास वही है, लेकिन बस क्या हो जा रहा है, मेरा परसेप्शन चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन चेंज हो रहा है। तो अभी जो हम पहला क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं, वो हम ये देखने जा रहे हैं कि उसमें फंगस कौन से प्रेजेंट है, राइट। तो उसका नाम है एस्कोलाइकेन। देखो पहला जो कैटेगरी है उसको बोलते हैं एस्कोलाइकेन, नाम से क्लियर है। एस्को मतलब आपने याद किया होगा, हमने अभी फंगस पढ़ाया था, फंजाई पढ़ाई थी, आप चाहें तो बैक प्लेलिस्ट में जाकर के फंजाई को दोबारा पढ़ सकते हैं। तो एस्कोलाइकेन मतलब बहुत सिंपल है कि ऐसे लाइकेन जिसमें जो फंगल पार्ट है वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं, उनको हम बोलते हैं एस्कोलाइकेन। मतलब ऐसे लाइकेन जिसमें जो फंगस है वो एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, तो ऐसे मेंबर्स को, ऐसे लाइकेन को बोलते हैं एस्कोलाइकेन। और ज्यादा से ज्यादा जो लाइकेन पाए जाते हैं वो एस्कोलाइकेन होते हैं। इन एस्कोलाइकेन एल्गल पार्टनर इज मोस्टली मेंबर ऑफ ग्रीन एल्गी एंड रेयरली ब्लू ग्रीन एल्गी, जबकि जो एल्गल पार्ट होगा वो ज्यादा से ज्यादा किसका पार्ट होगा, ग्रीन एल्गी का पार्ट होगा। ऐसे बेसिडियोलाइकेन, तो बेसिडियोलाइकेन में क्या होगा, बेसिडियोमाइसिटीज का फंगस होगा। ठीक है, इन बेसिडियोलाइकेन फंगल पार्टनर बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, इन बेसिडियोलाइकेन एल्गल पार्टनर इज ऑलवेज ए मेंबर ऑफ मिक्सोफाइसी, जो कि क्या होगा, ब्लू मिक्सोफाइसी के किस कलर के होंगे, ब्लू ग्रीन एल्गी के होंगे। तो ये दो हो गया क्लासिफिकेशन, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन, बेस्ड ऑन द फंगल कंपोनेंट कि वो किसको बिलोंग करता है। अगर वो एस्कोमाइसिटीज को बिलोंग करता है तो एस्कोलाइकेन, और बेसिडियोमाइसिटीज को करता है तो बेसिडियोलाइकेन। वेरी सिंपल। नेक्स्ट, अब हम क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ थैलस। थैलस क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। थैलस का मतलब ये हुआ कि जब भी आप कोई प्लांट अपने आसपास देखते हो तो क्या होता है, आप उसमें आराम से देख पाते हो कि ये भाई रूट है, ये आपका लीफ है, ये उसमें फ्रूट आया तो ठीक है, फ्लावर है, स्टेम है, तो सारी चीजें आप बाइफर्केट कर पाते हो। लेकिन जब कभी आपको ऐसा प्लांट टाइप का ऐसा स्ट्रक्चर दिखे जिसमें आपको पता ही नहीं चले कि इसमें रूट कहाँ है, इसमें लीफ कहाँ है, इसमें स्टेम कहाँ है, जैसे ये देखो आप इसको देखिए, आप इसमें कहाँ बता पाओगे, इसको देख करके बता सकते हो इसमें रूट कौन सा है, लीफ कौन सा है, क्या है, कुछ पता ही नहीं है। तो उसको पता है थैलस। थैलस मतलब क्या हुआ, जब पता ही ना हो कि रूट कौन सा है, शूट कौन सा है ना। जैसे इस स्ट्रक्चर को देखिए, अब इसमें कहाँ बताओगे आपकी स्टेम कहाँ पे है, और लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है लेकिन अब इसमें स्टेम कहाँ है, बाकी चीजें कहाँ है, कुछ क्लियर नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं थैलस। बड़ा सिंपल है। अब इसका नाम है क्रस्टोज। हम क्या कर रहे हैं, थैलस के बेसिस पर अब थैलस अलग अलग तरीके के दिखते हैं। तो पहला इसको बोलते क्रस्टोस लाइकेन, है ना। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अपना दृष्टिकोण बदल रहा हूँ, क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पर कर रहा हूँ, थैलस के बेसिस। तो लाइकेन को हम अलग कैटेगरी में बांटते हैं, इसको बोलते क्रस्टोस लाइकेन। दीज लाइकेन्स थैलाई आर फ्लैट, कैसे होंगे, फ्लैट होंगे, और द थैलस इज क्लोजली अडहेर्ड टू द सबस्ट्रेट, मतलब जो सबस्ट्रेट जो रॉक पत्थर है उससे वो क्या होंगे, चिपके होंगे, एंड प्रोवाइड ए क्रस्ट लाइक अपेयरेंस। क्रस्ट लाइक अपेयरेंस क्या होता है, जैसे आपके घर में रोटी बनती है, रोटी होती है तो रोटी का जो छिलका होता है उसको तोड़ दो, उसको निकाल लो, है ना, तो उसका जो ऊपर का रोटी का ऊपर का पार्ट है उसको क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट, या ब्रेड के ऊपर क्रस्ट होता है, राइट। तो क्रस्ट जैसा अपेयरेंस, देखिए यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम रोटी मान लें तो ऊपर का जो छिलका है वो क्रस्ट हो गया, तो इसको क्रस्ट जैसा ये अपेयरेंस देता है, इसीलिए इसे बच्चे बोलते हैं क्रस्टोस लाइकेन। इसके एग्जाम्पल देखिए, ग्राफिस एक जीनस है, इसके अंडर में जितने सारे लाइकेन आते हैं वो क्रस्टोस लाइकेन को बोलते हैं। नेक्स्ट आपको फोलियोस लाइकेन, ये कैसे होंगे, दिस लाइकेन्स आर फ्लैट, ये भी फ्लैट होंगे, आप इनका स्ट्रक्चर देख रहे हो, फ्लैट जैसे फ्लैट है, चिपटा है, लीफ की तरह दिखाई पड़ता है ना, लीफ लाइक, देखो पत्तियों जैसा स्ट्रक्चर है, और लोब यहाँ पर देखो, पत्तियों को देखो, इसे ये लोब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, एक जैसा ऐसा पत्ती एक जैसा ऐसा नहीं है, इसमें बीच बीच में लोब है, ये देख रहे हो बीच बीच में ये लोब्स आपको दिखाई पड़ रहा है। दे आर अटैच टू द सबस्टेशन विद द हेल्प ऑफ राइजोइड लाइक राइजिन, एक रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको राइजोइड जैसे को राइजिन बोलते हैं, स्पेशली किसके केस में, लाइकेन के केस में। दिस हेयरी स्ट्रक्चर आर डेवलप फ्रॉम लोअर साइड ऑफ थैलस बाय द फंगल हाइफी। एग्जाम्पल देखेंगे हम फोलियोज लाइकेन का, एग्जाम्पल है पार्मेलिया, पार्मेलिया के अगेन जीनस है, इसके अंदर में बहुत सारे आपको स्पीसीज मिलेंगे। अब आते हैं फ्रूटिकोस। फ्रूटिकोस क्या होता है, ये झाड़ी की तरह, झाड़ियों की तरह देखेंगे, देख रहे हैं आप, श्रब, श्रब मतलब झाड़ी होता है, सो दीज हर्ब श्रब जो भी है,
तो सर अब दीज लाइकेंस आर वेल डेवलप्ड है ना, पूरा एकदम आपको प्लांट की तरह दिखेंगे, श्रब लाइक सिलिंड्रिकल एंड ब्रांच। देखो कितनी सारी ब्रांचिंग इसमें दिख रहे हैं। अपने दो तरीके के होते हैं, दे ग्रो इरेक्ट, ये ऊपर की तरफ, जब नॉर्मल प्लांट है आपका जैसे सबस्टेशन से ऊपर जाते हैं तो इरेक्ट मतलब सीधे, जैसे क्लाइडोनिया या देख रहे हो आप, ये आपका सरफेस है इससे ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल हो गया क्लाइडोनिया, क्लाइडोनिया जीनस। लेकिन अगर हम ये देखिए, ये उल्टा लटक रहा है, देख रहे हैं ये कोई, ये प्लांट है, ये प्लांट का स्टेम है या ब्रांचेस है और इसे नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है तो लटक रहा है। सो दे आर अटैच्ड टू द सबस्टेम बाय देयर बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क। ये क्या होता है, एक म्यूसिलेजिनस डिस्क होती है, उससे सबस्ट्रेट से चिपके रहते हैं। तो ये ऊपर जाएगा नॉर्मल प्लांट की तरह और ये डाउन साइड जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन। तो इसके बारे में सिर्फ इतना देखना है आपको, एस्कोलाइकन, बेसिडियोलाइकन और जो भी और कैटेगरीज मैंने आपको बताई क्लासिफिकेशन। अब हम देख लेते हैं इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, लाइकेन का क्या है ना। तो एज फूड एंड फोडर, कुछ जो लाइकेन्स है वो खाने के रूप में यूज होता है और चारे के रूप में होता है। फोडर मतलब चारा, जो जानवर जानवर खाते हैं उनको हम चारा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, क्लाइडोनिया रेंजीफेरा, आपको साइड में पिक्चर दिखाई पड़ रही है, बड़ा सिंपल है ये। ज्यादा से ज्यादा जो टुंड्रा, जो बहुत ठंडे एरिया है नॉर्थ अमेरिका वगैरह में, या टुंड्रा आर्कटिक एरिया में, यहाँ बहुत ठंडी पड़ती है, वहां पर होता है क्लाइडोनिया रेंजीफेरा। इसको रेनडियर मास बोलते हैं, ये रेनडियर, ये आपको रेनडियर देख रहे हैं, एक तरीका का हिरन होता है, रेनडियर होता है, या इसको हम जो है, इसका नाम कैरेबू भी है, ये आपको नॉर्थ अमेरिका वगैरह में मिलेगा। इज अ फ्रूटिकोज लाइकोन लाइकेन दैट इज स्टेपल फूड ऑफ रेनडियर, है ना। ये रेनडियर जो है वो इसी को खाता है, क्लाइडोनिया रेंजिफेरिना का उसका बहुत फेवरेट फूड होता है, वो उसी को खा के जिंदा रहता है, उसके लिए न्यूट्रिशन की तरह काम करता है। अगर हम और बात करें फूड की, वो तो फोडर हो गया। अगर हम फूड की तरह बात करें तो आपको देख रहे हैं पार्मेलिया, पार्मेलिया है, पार्मेलिया परलेटा, ये अगर आप देखोगे पार्मेलिया परलेटा, इसको क्या बोलते हैं, रॉक फ्लावर बोलते हैं। ये इसको सुखा करके, ये ड्राई पार्ट है, इसको पत्थर के फूल भी बोलते हैं या रॉक फ्लावर बोलते हैं, रॉक फ्लावर और पत्थर के फूल। इसको साउथ इंडिया में फूड की तरह यूज करते हैं, इसकी करी बनाते हैं, करी जो सब्जियां बनती हैं तो उस पर करी की तरह, ये मार्केट में मिलता भी है, आपको मिल जाएगा, पत्थर के फूड बोलेंगे या रॉक फ्लावर बोलेंगे आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा। तो इसको करी पाउडर की तरह यूज किया जाता है। ये एग्जाम्पल क्या है, पार्मेलिया परलेटा। लाइकेन इज अ सोर्स ऑफ डाई, डाई आपको पता होगा, लिटमस पेपर आप जरूर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो कि एसिड बेस का इंडिकेटर होता है और एक तरीके के लाइकेन से बनता है, जिसे बोलते हैं रोसेला टिंक्टोरिया। रोसेला टिंक्टोरिया आप देख सकते हो, इसी से आपका लिटमस पेपर बनता है। चलिए, लाइकेन इज अ सोर्स ऑफ डाई। और देखते हैं, लाइकेन इज सोर्स ऑफ मेडिसिन, लाइकेन से बहुत सारी मेडिसिन भी बनती है। तो कैसा होगा, जैसे एग्जाम्पल देखिए, अस्निक एसिड, अस्निक एसिड एक कंपाउंड है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है मतलब, ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि ऐसे एंटीबायोटिक जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हो, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया हो, या बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर दे, वो स्पेसिफिक ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही बैक्टीरिया को किल करेगा, कई टाइप के बैक्टीरिया को किल कर दे, उसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोलते हैं। और कहाँ से मिलता है, अस्निया एंड क्लाइडोनिया, ये जीनस है, इनसे जीनस अस्निया और जीनस क्लाइडोनिया इनके लाइकेन से मिलता है, बहुत सारे सोर्सेस हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे जीनस नाम रखा है, स्पीसीज नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, पेल्टीजेरा, पेल्टीजेरा कैनाइना, नाम से क्लियर हो रहा है, पेल्टीजेरा कैनाइना मतलब कैनाइन, कैनाइन मतलब क्या हो सकता है, एग्जाम्पल कैनाइन के कौन हो गए, लायन हो गए, है ना, या आपके डॉग, तो डॉग कैनाइन हो गए, तो कैनाइन होगा तो इसका मतलब आप यहां से याद रखना, कैनाइना मतलब आप डॉग मान लेना, पेल्टीजेरा कैनाइना, या इसको डॉग लाइकेन भी बोलते हैं। क्यों डॉग लाइकेन बोलते हैं, आपको पता होगा रेबीज, तो रेबीज जो होता है, जिसके रेबीज वायरस की वजह से, तो जैसे पागल कुत्ता अगर किसी को काट लेता है तो आदमी को क्या होता है, अगर इंजेक्शन नहीं लेता तो उसको रेबीज हो जाता है। अब रेबीज में होता क्या है कि आदमी को हाइड्रोफोबिया मतलब उसको पानी से डर लगने लगता है, आदमी पानी नहीं पीता है, पानी से दूर भागता है। तो उसके लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है, ये पेल्टीजेरा हाइड्रोफोबिया मतलब पानी की से दूर भागने, जो डरने की होती है, उसके लिए जो दवाई दी जाती है आदमी पेशेंट को, पेल्टीजेरा कैनाइना, इसको हाइड्रोफोबिया से बचाने के लिए आदमी को दिया जाता है, इसीलिए इसको डॉग लाइकेन बोलते हैं, क्योंकि डॉग काटने के बाद इसका पहले यूज होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डॉग लाइकेन, ठीक है ना। दूसरा है सिट्रेरिया स्लैंडिका, इज यूज्ड एज लैक्सेटिव। लैक्सेटिव मतलब क्या होता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है, या हिंदी में बोलते हैं कब्ज, तो जिसका डाइजेशन क्लियर नहीं होता, जिसका बाउल मूवमेंट नहीं होता, तो ये लैक्सेटिव हो जाता है। तो उसको आप देखते होंगे कि कॉन्स्टिपेशन की बहुत सारी मेडिसिन आती हैं, जिसमें स्टूल जो होता है उसको क्या कर देता है, स्टूल को प्रॉपर कर देता है,
तो आदमी का पेट क्या होता है, साफ हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो जाता है। तो उसमें लैक्सेटिव की तरह यूज करते हैं सिट्रेरिया स्लैंडिका। तो ये खत्म किया आज हमने, थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़े जो बचे हुए पिछले के थे वायरस के, और फिर हम आगे बढ़े। लाइकेन पढ़ा, अगर आपको वीडियो समझ में आया हो और आप आगे भी नए वीडियोस चाहते हो नीट की तैयारी करने के लिए, तो आप इसे वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग भूल जाते हो लाइक करना, शेयर कर सकते हैं ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले पाए, और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जैसे ही नए वीडियो में आपको डालूं वैसे ही आपको मिल जाए। आप कमेंट्स कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा हो, और नोट्स अगर आपको चाहिए और आप प्रैक्टिस के लिए टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं करना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी पार्ट 3 के साथ। टिल देन टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।